आप लोगों को मियां नवाज शरीफ की वैसे वापसी की इतनी फिक्र क्यों है सर? पहले आसिफ अली जरदारी साहब और अब बिलावल भुट्टो, क्यों चाहते हैं कि मियां नवाज शरीफ वापस आ जाएं? क्या जल्दी है आपको सर? हमने जब ये महसूस किया कि ये सिर्फ जाती अपने फायदे का सोच रहे हैं, सिर्फ जाती अपने मफाद का सोच रहे हैं और ये हुकूमत गिराने के लिए सिंसियर नहीं है, और फिर हमने ये समझा कि अब हम अपने आप को इनसे थोड़ा अलग कर लें, तो हम आज भी ये समझते हैं कि नवाज शरीफ साहब वापस आ जाएं तो हम पीडीएम में भी आने के लिए तैयार है। अगर नवाज शरीफ साहब वापस सर आपके कयादत को यकीन है कि नवाज शरीफ डील कर गए हैं, चूंकि बिलावल भुट्टो से भी ये सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि दाल में कुछ काला है, इसका क्या मतलब है कबूल साहब? दाल में काला तो मैंने आपके प्रोग्राम में आज से 4 महीने पहले बोला था, मैंने तो बोला था डील करके गए हैं, मैंने तो बोला था कि मौलाना फजल रहमान ने जो धरना दिया था आज से 1.5 साल पहले, उस धरने में ही ये डील हो चुका था कि आप इनको जाने दें और ये धरना। लेकिन इमरान खान तो एनआरओ नहीं थे, मैंने ही कहा था कि भाई वो तो सख्त मुखालिफ हैं। इमरान खान ने एनआरओ दिया, इमरान खान ने 2 दफा एनआरओ दिया, इमरान खान ने नवाज शरीफ को भी एनआरओ दिया, इमरान खान ने जहांगीर तरीन को भी एनआरओ दिया, इमरान खान ने उन 16 MNS को भी एनआरओ दिया जिन्होंने इमरान खान के खिलाफ वोट डाले सेनेट के इलेक्शन में, यूसुफ रजा गिलानी साहब को। तो इमरान खान साहब जो है ना, मैं समझता हूँ कि वो जल्दी प्रेशर में आ जाते हैं और इन्होंने 3 NROs दिए जिनका अभी मैंने आपको जिक्र किया।